तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा चार्ट देखेंगे जो हमें ये व्हेल्स कैसे हमारे साथ गेम खेलते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ओके, और शायद ये चार्ट से आपको ये भी समझ में आए कि कब आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डिप आने वाला है और आप भी जो है उन्हीं की तरह गेम खेले, या फिर कब आपको समझे कि मेरे भाई अभी मुझे पैनिक सेल नहीं करना है क्योंकि ये तो एक वेल गेम है, तो ये मेरे लिए भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये जो सब है हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा ढेर सारी न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इथेरियम तो भैया पैराबॉलिक मूव पकड़ने वाला है, क्यों वो भी देखेंगे, और ऑल्ट कॉइन्स, बाकी के जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके लिए भी ढेर सारी न्यूज है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। तो आज का जो मार्केट कैप है वो आप देखेंगे यहाँ पे 2.35 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अगेन वो कुछ ज्यादा, आप देखिए कल भी 2.35 था, आज भी हम लोग वही है, तो साइडवेज ही है ये मार्केट। ओके, और अगर आप बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हैं तो वो 40%, बट मेरे भाई इथेरियम का डोमिनेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमने कल स्पेशली इथेरियम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आज भी हम लोग इथेरियम की वो बात जरूर करेंगे कि क्यों इथेरियम जो है ऐसे जबरदस्त रैली दिखा रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन से ही। बिटकॉइन का करंट प्राइस $50,000 के ऊपर, विच इज वेरी वेरी गुड। तुम यहां देख सकते हो ये जो चार्ट है ये डेली के ऊपर है। यहाँ ये एक येलो लाइन थी जो हमेशा से हम लोग जो है वो सपोर्ट की तरह ले रहे थे इसको। ओके, एक्चुअली कल तक अगर तुम्हें याद होगा ये लाइन कुछ ऐसी थी, राइट, और हमें वैसा ही इसे रखना चाहिए। ओके, तो ये है मेरी येलो लाइन, तुम देख सकते हो ये एक मेरा सपोर्ट है, ये डेली के ऊपर है। यहां हमने क्या किया, हमने इसको बहुत ही वॉल्यूम के साथ, सॉलिड वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, वो हमें यहाँ पे वॉल्यूम समझ में आ रहा है, राइट। अब हमने क्या किया, कल मैंने आपको इसीलिए बोला था कि जिन लोगों ने डिप में बाय किया है, ओके, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे भाई कोई टेंशन नहीं, तुम बिल्कुल निश्चिंत होके उसको होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने डिप में बाय किया था और वापस मेरी तरह कैश साइड पे रखना चाहते हो तो देखो तुम्हारे लिए सेलिंग पॉइंट क्या था, यहाँ मैंने तुम्हें वही बोला था कि येलो लाइन को वो रीटेस्ट करेगा, वहां पे तुम्हें जो है वो प्रॉफिट्स ले लेने हैं। फिर वापस अगर हम ये व्हाइट लाइन को रीटेस्ट करते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाते हैं, वहां से हम लोग जो है फिर पोजीशन ओपन करेंगे क्योंकि उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। ओके, तो ये जो बिटकॉइन ने यहाँ एक डिप मारा है ना मेरे भाई, ये बॉटम आ चुका है। मैंने कल भी तुम्हें वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि देखो 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, बिटकॉइन इतनी बुरी तरीके से ही नीचे गिरा था और उसके बाद मुझे मौका मिला ही नहीं कि मैं $4,000 पे बिटकॉइन जो है वो वापस से उठा सकूं, और आज देखो हम लोग कहाँ है, $50,000 पे। ओके, और यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है, ये $40,000 भी कल ऐसा ही होगा जब तुम देखोगे बिटकॉइन 130-140 के ऊपर है। सो अगेन, जिन लोगों ने डिप में बाय किया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा और वेट करो, ये व्हाइट लाइन पे होपफुली आएगा 46-47, वहां बाय करो ट्रेडिंग के लिए। और जो लोग डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हो मेरे भाई, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारा क्रिप्टो म्यूचुअल फंड है जिसमें तुम्हारे हर महीने, हर हफ्ते या हर रोज जैसा भी तुम्हारा स्केड्यूल है उस हिसाब से पैसे गिरते रहने चाहिए, और तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे देखना है आज से 10 या 15 साल के बाद। ओके, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा ट्वीक करेंगे। जितना भी पैसा 130-135 तक बिटकॉइन के मारने तक आपने एक्यूमुलेट किया, इट्स वेल एंड गुड, वहां पे हम लोग प्रॉफिट्स लेंगे, वो वापस रखेंगे, और कब वापस उसे री इन्वेस्ट करना है वो आपको प्रॉफिट ट्रेडर्स बताएंगे। लेकिन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप वो मिस मत करना इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज, और अगर मैं बिटकॉइन में डीसीए रोक देता हूं तो क्या मुझे क्रिप्टो में भी डीसीए रोक देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हर महीने, अभी तो बिटकॉइन में डीसीए चलता रहेगा, बिटकॉइन और इथेरियम में, लेकिन बेयर मार्केट के टाइम पे डीसीए जो है वो यूएसडीटी या यूएसडीसी में चलेगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे वापस पैसा रीइन्वेस्ट करना है तो उस टाइम मुझे बैंक से पैसा नहीं निकालना है, ऑलरेडी मेरा वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो एक्सचेंज पे पड़ा है या मेरे वॉलेट में पड़ा है जिसे मैं यूज करूंगा वापस बिटकॉइन को बाय करने के लिए।
अलॉन्ग विद जो आपने 130-135 पे बिटकॉइन को बेच के पैसा बनाया है वो सब. ओके, सो स्ट्रेटजी सिंपल है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम ये फॉलो भी कर सको और मिस मत करना. ओके, तो चार्ट में बिटकॉइन बहुत ही अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है. यहाँ से डेफिनेटली थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन और 48-47 तक आके फिर हम लोग ये येलो लाइन को वापस ब्रेक करेंगे, वापस इस येलो लाइन को सपोर्ट बनाएंगे और मेरे भाई जो हमारा हाई हमें बनाना है $80,000 का वो बनाएंगे. ओके, और क्यों मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये चार्ट दिखाता हूं जो मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम्हें हर रोज देखना ही है चाहे कुछ भी हो. अभी भी हम लोग एक्सट्रीम फियर में है, जिसका मतलब है ये एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है. ओके, दूसरा ये है वो चार्ट जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, ये है एक्सचेंजेस इनफ्लो और एक्सचेंजेस आउटफ्लो. अब अगर तुम यहां देखते हो ये चार्ट, आई डोंट नो ये मैं जूम कर सकता हूं क्या, हाँ, तो अगर तुम ये वाला चार्ट देखते हो तो हम यहाँ वेल्स ने क्या किया भैया, सॉलिड बड़े अमाउंट में जो है वो कॉइन्स फेंके वीकेंड में, प्राइस गिराया. ओके, और गिराने के बाद तुरंत बाद यहाँ देखो उतने ही बड़े स्पाइक्स जो है वो आउटफ्लो में भी है. इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंजेस में बिटकॉइन आए बिकने के लिए, आउटफ्लो का क्या मतलब होता है कि भैया यहां से डिप जो है वो बाय हो चुका है. ओके, और वेल्स ने क्या किया भैया, 65,000 से प्राइस गिराया, 40,000-45,000 पे वापस बाय किया, तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास क्या हुआ, बिटकॉइन और ज्यादा हो गए. ओके, सो इसीलिए मेक श्योर, ये अभी उनके साथ होता है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते, क्योंकि उनका पैसा वेल्स जो है वो फटक से लिक्विडेट कर देते हैं. लेकिन अगर तुम्हारे एक्सचेंज में पड़ा है और तुमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, विच आइडियली हम लोग बिटकॉइन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें कहाँ बेचना है, तो तुम कभी बेचोगे नहीं, तुम्हारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे नहीं और तुम्हारा पैसा भी डूबेगा नहीं, और वेल्स ऐसा गेम तुम्हारे साथ खेल ही नहीं सकेंगे. इसीलिए ट्रेडिंग भी करने के लिए 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए तो मेरे भाई 4-5 साल का एक्सपीरियंस लो, और अभी अगर तुम्हें सीखना है तो डेफिनेटली मेरी तरह छोटा छोटा अमाउंट डालो कि तुम लिक्विडेट भी हो रहे हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सो तुम्हारे पोर्टफोलियो का 5% उससे ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तुम्हें डालना ही नहीं है, और वो 5% भी मैं तुम्हें बोलूंगा अपने प्रॉफिट्स में से निकालो, एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट में से नहीं. ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है बड़ी वो यही है यार, देखो सब एनालिस्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भैया बिटकॉइन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकवरी के लिए तैयार है, ऑल्ट कॉइन्स भी जो है वो मैसिव रैली के लिए तैयार है. मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है मेरे भाई, अब जो है यहां से बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन सब, अब तुम देखो आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हर सब लोग करते हैं, ठीक है तुमने 2 सिनेरियोस बताए लेकिन तुम्हारा अभी तुम्हें क्या लगता है क्या होगा वो बताओ ना यार, मुझे वो जानने में इंटरेस्ट है, मुझे भी पता है प्राइस यहाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मुझे वो दोनों चीजें मत दिखाओ. ओके, सो इसीलिए हमारे चैनल में तुम अगर देखोगे तो मेरी आदत नहीं कि मैं फंड क्रिएट करूं या मैं बोलूं कि यार देखो बिटकॉइन नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है. बिटकॉइन वैसा ही है, 30,000 तक अगर वो गया था, 30 से वो 50 तक आया, 50 से अगर 40 पे भी आया तो तब भी $10,000 वो ऊपर ही है, और ये तो सिर्फ कुछ महीनों की बात है, थोड़े महीने हम लोग पीछे जाएंगे तो 10,000 से 50,000 5 गुना ऊपर, राइट. So, इसीलिए यहाँ पे भी मैं तुम्हें वही कहूंगा कि ये ऐसी पिक्चर देख के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों का क्या काम है कि भैया दोनों चीजें आगे रख दो, अभी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या समझना है. बट इन शॉर्ट यहाँ हम लोग बहुत बहुत बुलिश है, और मेरे भाई यहाँ पे हम लोग जैसा मैंने तुम्हें बोला कंसोलिडेट करेंगे वो व्हाइट लाइन के ऊपर, ये व्हाइट लाइन के ऊपर एक और डिप शायद देंगे, कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन तुम देखो 46-47 उससे नीचे हम लोग नहीं जा रहे हैं, और वहां से वापस जो है हम लोग बहुत स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ फिर बढ़ जाएगी. ओके, अब इसके बाद एक और जो बड़ी न्यूज थी वो थी बिटकॉइन के लिए ये वाली, थर्ड बिगेस्ट बिटकॉइन वेल ने 2,700 बिटकॉइन और बाय किए हैं, टोटल $6 बिलियन अब उसका जो है वो बिटकॉइन में वर्थ है. सो मेरे भाई ये लोग गधे नहीं है, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, ये लोग बहुत स्मार्ट है, और सब वेल्स जो है वो धीरे धीरे डिप्स उठाते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने कितना पैसा बनाया है. सो तुम्हें भी मैं यही समझाऊंगा, चुपचाप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, बिटकॉइन की मार्केट या बुल रन कोई खत्म नहीं हुआ है अभी, इस सब में और 2-3 महीने है, तो शांति से टेंशन फ्री होकर सिर्फ एक्यूमुलेट करो. ओके,
नेक्स्ट बड़ी न्यूज, यूबी सॉफ्ट जो है वो पहली कंपनी हो गई है जो मतलब बड़ी मेजर कंपनी जिसने अपना गेम एनएफटी लॉन्च कर दिया है। सो सब लोग भाग रहे हैं क्रिप्टो की तरफ, एनएफटी की तरफ, वर्चुअल लैंड की तरफ। तो मेरे भाई तुम्हें कैसा लगता है ये मार्केट ओवर हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। अब अच्छी न्यूज के साथ एक बुरी न्यूज भी है। आइसलैंड ने जो है वो बिटकॉइन माइनर्स को भैया बोला है कि अभी रुक जाओ क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। सो अगेन ये, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई भी दिक्कत है क्योंकि तुम देखो चाइना ने अगर माइनर्स को बैन किया तो क्या हुआ, यूएस में मार्केट बंद गई। वैसे अगर ये माइनर्स यहां से निकलेंगे तो वो कहीं और जाएंगे जहां पे ये सब रिसोर्सेज जो है वो रेडिली अवेलेबल है और सस्ते हैं, शायद एल सेल्वेडोर। सो ये माइनिंग तो कहीं रुकने नहीं वाला है। एक और बड़ी न्यूज, सीआईए ने भी कंफर्म किया है कि भैया वो भी सब क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर नजर रख रहे हैं देखने के लिए कि जैसे तुम देखो काफी पंप एंड डंप्स होते हैं, सो उसमें लोग बर्बाद ना हो जाए उनके लिए ये लोग ध्यान रख रहे हैं। सो अगेन दैट इज अ गुड थिंग। अब हम लोग बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, स्टार्ट करेंगे इथेरियम से। इथेरियम के ऊपर कल भी मैंने वीडियो बनाई और मैंने तुम्हें बोला वो कितना स्ट्रांग है, और मैंने कल ये भी बोला था कि भैया यहाँ प्रॉफिट्स लो। तो तुम देखो हम लोगों ने जो है वो प्रॉफिट्स ले लिए हैं, वहां से ये थोड़ा बहुत और करेक्ट हुआ है। अगेन ये ट्रेडिंग के लिए है मेरे भाई, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मत बेचना। मैं भी यही गलती करता था, सुनता था अरे उसने बोला बेचा बेचा तो चलो मैं भी बेच लूं। नहीं, तुम्हें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना है। ये सिर्फ वो है जो एक्सचेंजेस के ऊपर तुम पैसा रखते हो और तुम डिप्स में बाय करते हो, प्रॉफिट्स में सेल करते हो और थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ा रहे हो, ये सिर्फ वो पैसा है। जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो वैसा ही रहने वाला है। सो इथेरियम अगेन 0.618 से जो है वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसे हम लोग वापस फिर बाय करेंगे। अब वापस फिर कहाँ बाय करेंगे? यहाँ 0.618 पे ही बॉटम से। सो अगर मैं ये थोड़ा इसे क्लीन करूँ, क्या यहाँ एक अलग चार्ट को ले लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा हाँ। अब अगर तुम ये चार्ट देखते हो तो ये मेरा विक है ग्रीन वाला, यहां से 0.618 मतलब 4122 वहां से वापस इथेरियम बाय कर लो। और मेरे भाई इथेरियम कितना स्ट्रांग है तुम यहां देखो, थ्री एरो कैपिटल ने 100,000 एक्चुअली इथेरियम जो है वो बाय किए है, $500 million के इथेरियम। सो अगेन वेल्स जो है वो इथेरियम इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो मैं तुम्हें वही बोलूंगा मेरे भाई, तुम लोग इसमें उन सबसे बहुत पहले हो, सो तुम लोग जितना एक्यूमुलेट कर सको करते जाओ। $10,000 इथेरियम का टारगेट है हमारा। बाकी के ऑल्ट कॉइन्स जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें है टेजोस जो 30% आज ऊपर है, 30% अगेन बहुत बुरा गिरा था, वहां से वापस 5.37 पे आया है। और अच्छा प्रोजेक्ट है बिट टॉरेंट, इनका भी एक नया न्यूज आया है आई थिंक कुछ, तो ये नया मैंने एक्चुअली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वो डाला था, तो ये कुछ तो इनका नया मेननेट है जिसमें ये पुराने बिट टॉरेंट्स पे और बिट टॉरेंट्स दे रहे हैं, मतलब ऐसा स्प्लिट कर रहे हैं। सो अगेन कुछ तो उनकी बड़ी न्यूज है यार, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद वो क्या था, बट उसी की वजह से तुम देखोगे तो आज 25% ही ऊपर है। हार्मनी 11%, ओमाइसेगो 10%, कर्व डाओ अगेन बहुत ही बढ़िया टोकन है, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ आवे। और ये कि दोनों तुम्हें डीफाई के प्रॉफिट्स के लिए बाय करना है, डॉट वापस $30 के आसपास। सो अगेन ये सब अभी शुरू हुआ है यार, तो तुम देखो मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ, एक झटका और उसके बाद ये टोकन यहां से फिर से 50-50 60-60% ऊपर जाने वाले। अब यहां देखो कार्डेना $28 तक वो गया था, इसीलिए मैं कह रहा था कि बिल्कुल फोमो मत करो। आज तुम देखो ये $10 के आसपास है, यहां तुम इसे डॉलर कॉस्ट एवरेज करना शुरू कर सकते हो। अगेन एल्गोरैंड अच्छा है, ये भी बाय कर सकते हो, अच्छा प्रोजेक्ट है। एम्प अच्छा प्रोजेक्ट है। IOTX भाई 11 सेंट्स पे वापस, ये 26 पे गया था और हम लोगों ने आई थिंक टॉप में प्रॉफिट लिया था, और अब अगर तुमने तुम्हें वो री इन्वेस्ट करना है तो दिस इज अ गुड टाइम टू री इन्वेस्ट। सैंड आज बाय करने के लिए अच्छा है ये टोकन, $5 पे है ये टोकन, ये है बेस्ट बाय। तो हमें यहाँ पे ऐसे जो है वो लोअर प्राइजेस में बाय करना है, जब वो एकदम एक्सट्रीम यहाँ ग्रीड होना तब भूल के भी कुछ भी बाय मत करो। तो अब ऑल्ट कॉइन्स की जब बात चल रही है तो इथीरियम हो गया, डॉज कॉइन का भाई छोटा शिबा इनू, अब उसको तुम यूज कर सकते हो 2 मिलियन होटल्स में बुकिंग करने के लिए। सो अगेन कार्डानो, ओ सॉरी डॉज और शिबा दोनों थोड़े थोड़े बाय करो क्योंकि तुम्हें पता है यार इनमें पंप आना ही है। चेनलिंक के लिए बड़ी न्यूज, फॉर्मर
गूगल सीईओ जो है वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है चेनलिंक के लिए। और चेनलिंक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो तुम्हें बिटकॉइन की ही याद दिलाएगा। तुम देखो बिटकॉइन के भी फंडामेंटल इतने स्ट्रांग थे, इसीलिए बिटकॉइन का चार्ट कुछ ऐसा है। तुम्हें एक ही दिन में सीधा 700-800% का पंप नहीं मिलेगा। पंप कंसोलिडेशन ये होते हैं अच्छे हेल्दी प्रोजेक्ट्स। अगर ऐसे ही तुम अमेज़न भी देखते हो ना, ओके, तो तुम ये भी अगर प्रोजेक्ट देखते हो, इसका मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा क्योंकि भैया डेली तो बहुत ज्यादा है इसका। लेकिन देखो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन पंप कंसोलिडेशन पंप कंसोलिडेशन, ओके। वैसे ही रिलायंस, ओके, अगर तुम रिलायंस भी देखते हो तो रिलायंस का भी वैसा ही है। ओके, ये नहीं है रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो अगेन, हर अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, कंसोलिडेशन पंप कंसोलिडेशन पंप। अब उन्हीं अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरह है तुम्हारा लिंक भी, तो ये भी $100 के ऊपर वाला प्रोजेक्ट है। तुम देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन पंप कंसोलिडेशन पंप कंसोलिडेशन पंप, वापस आके कंसोलिडेशन, और ये वही सपोर्ट लाइन है जिसने हमेशा उसे सपोर्ट दिया है, और यहां से ये जो है वापस एक स्ट्रॉन्ग पंप देगा क्योंकि $20 उसके लिए परफेक्ट सपोर्ट है। नेक्स्ट हाई उसका तुम ऑलमोस्ट $70 के अराउंड लेके चलो। मेरा इस बुल रन का टारगेट है $100, जहां पे मुझे लिंक में प्रॉफिट्स लेने हैं, उसके पहले मैं उसमें से प्रॉफिट नहीं लूंगा। ओके, 1.618, 2.618 अगर तुम देखते हो तो वो $76 और $114, बट अपन $100 के ऊपर प्रॉफिट लेके बाहर। ओके, अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बड़ी न्यूज, जैसे यूबी सॉफ्ट आए है वैसे ही ड्राफ्ट किंग्स ने भी अपना एक मार्केट प्लेस बनाया है जहां पे वो अपने गेमिफाइड NFT कलेक्शन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। सो अगेन तुम यही देखो, ये सब बड़े कंपनी जो है वो क्रिप्टो की तरफ दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये फ्यूचर है, और अगले 3-4 महीने में ये डेफिनेटली तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स देने वाले हैं। ओके, सो मेरे भाई वही वीडियो में जैसा कि आज हमने डिस्कस किया, बिटकॉइन होपफुली बॉटम दे चुका है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा मूव इथेरियम पैराबॉलिक मूव दिखाने वाला है। ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही सस्ते हैं, सो अभी इट्स अ गुड टाइम टू डॉलर कॉस्ट एवरेज। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे ज्वाइन करो। आपसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।